नमस्कार, मैं बनता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं लाइव टीवी। एनसीपी नेता अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर रविवार को 8 बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजीत पवार ने एनसीपी पर भी दावा ठोक दिया। अजीत गुट का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। उन्होंने पार्टी के नाम और सिंबल की लड़ाई चुनाव आयोग में लड़ने की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि भले ही अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ बगावत की हो, लेकिन उनके प्रति रुख नरम अपनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, अजीत पवार अब शरद पवार के नाम और फोटो के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अजीत ने कहा, क्या आप भूल गए कि शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार के सामने सुलह का भी फार्मूला रखा। अजीत पवार ही नहीं बल्कि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल समेत उनके गुट के सभी नेताओं का शरद पवार के प्रति नरम रुख है। माना जा रहा है कि ये सब अजीत गुट की रणनीति के तहत हो रहा है। यही वजह है भले ही शरद पवार ने राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसके बावजूद पटेल ने शरद पवार को राजनीतिक गुरु बताया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, शरद पवार उनके मेंटर और गुरु है, वो हमेशा उनके पद का सम्मान और आदर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वे उनके लिए पिता के समान है। वहीं अजीत गुट में शामिल छगन भुजबल ने कहा कि उन्होंने अपना काम किया है, ये फैसले एक दिन में नहीं लिए जाते। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जो भी अच्छा है उन्होंने वो किया। उन्होंने एनसीपी को सत्ता में लाकर शरद पवार को गुरुदक्षिणा दी है। उनके भतीजे डिप्टी सीएम बने हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ये सब योजना के तहत किया है। अगर शरद पवार 60 सालों से राजनीति में है तो वो भी 56 साल से राजनीति कर रहे हैं। अजीत पवार ने इस लड़ाई को चुनाव आयोग में लड़ने की बात कही। अजीत पवार की बगावत ही एक और बात सामने आई है। अजीत पवार गुट चाचा से बगावत करने के बावजूद उनकी फोटो का इस्तेमाल करने में हिचक नहीं रहे हैं। अजीत ने मंगलवार को एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान भी शरद पवार की फोटो लगाई गई थी। इतना ही नहीं, उनके सभी कार्यक्रमों में लगे पोस्टरों में शरद पवार नजर आ रहे हैं। बुधवार को बुलाई गई विधायक दल की बैठक में भी शरद पवार के पोस्टर लगाए गए। हालांकि शरद पवार ने मंगलवार को उनकी फोटो का इस्तेमाल करने पर आपत्ति भी जताई थी। शरद पवार ने कहा था, उनकी तस्वीर उनकी अनुमति के बिना ना इस्तेमाल की जाए, जो उनके विचारों के खिलाफ है, जिनसे उनके वैचारिक मतभेद हैं। शरद पवार ने अपनी तस्वीरों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। शरद ने कहा, वो उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि वो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं और यही पार्टी उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती है। शरद पवार की आपत्ति के बावजूद बुधवार को अजीत पवार खेमे की बैठक के दौरान लगे पोस्टरों में उनकी फोटो का इस्तेमाल किया। वहीं जब प्रफुल्ल पटेल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो उनकी तस्वीर का इस्तेमाल अनादर के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि अजीत पवार एकनाथ शिंदे की राह पर चल रहे हैं। एक साल पहले जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी तो उन्होंने नई पार्टी का गठन किया था, बल्कि 40 विधायकों के साथ पूरी शिवसेना पर ही दावा ठोक दिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने गुट वाली शिवसेना को बाला साहेब की असली शिवसेना बताया। एकनाथ शिंदे अपने बयानों में ये लगातार दोहराते रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने सीएम की कुर्सी के लिए बाला साहेब के विचारों से समझौता किया और कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, सीएम की कुर्सी संभालने के बाद भी एकनाथ शिंदे बाला साहेब के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने विधायकों और सांसदों के समर्थन के आधार पर एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उन्हें ही पार्टी का सिंबल चीफ कमान सौंपा। चुनाव आयोग के इस फैसले पर एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये बाला साहेब के विचारों और विरासत की जीत है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का वजूद बाला साहेब ठाकरे और उनकी विचारधारा से है।
बाला साहेब ने शिवसेना का न सिर्फ गठन किया बल्कि उसे राज्य में पहचान भी दिलाई और सत्ता तक पहुंचाया। बाला साहेब के नाम पर ही पार्टी का कैंडर शिवसेना से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को एहसास है कि भले ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत कर राज्य की सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन उन्हें राजनीति में आगे बढ़ना है तो बाला साहेब के नाम के बिना ये संभव नहीं है। यही वजह है कि बाला साहेब के नाम पर ही शिवसेना के असली कैंडर को अपने आप से जोड़ने रखने की कोशिश में जुटे हैं। वही बाला साहेब की तरह ही शरद पवार ने एनसीपी की नींव रखी। कांग्रेस जैसी पार्टी से अलग होकर एनसीपी को शून्य के कई बार महाराज की सत्ता तक पहुंचाया। शरद पवार की वजह से ही पार्टी का कैंडर एनसीपी के साथ है। ऐसे में अजीत पवार ये दिखाने की कोशिश में लगे हैं कि भले ही मुद्दों को लेकर उनके टकराव में, लेकिन वे अभी अजीत पवार से अलग नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपने गुट की एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष का ऐलान तो किया, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप भूल गए क्या शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसी तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए 24x7 लाइव टीवी।